मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है, भारत के किसी भी राज्य से आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम फिल करना है, फिर मिडिल नेम, इसके बाद आपको यहाँ पर सरनेम फिल करना होगा। आपको यहाँ पर सेकंड कॉलम में इंडियन फिल कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देना है और ईमेल आईडी फिल करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर आय का फॉर्म फिल करना होगा। बात यह है, आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन मोड से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2021 वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो कंप्लीट देखेगा, तभी सभी क्वेश्चन के आपके डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे, इस भर्ती में भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपको उसमें ऑल इंडिया वैकेंसी दी गई है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, और अगर आप सिंपल 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट है तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, जो आपको यहाँ पर दौड़ कंप्लीट करनी होगी 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 5 मिनट का समय भी दिया जाएगा। कितनी यहाँ पर आपकी हाइट होना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कितना आपका वेट होना चाहिए, सभी जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो हो सके तो वीडियो कंप्लीट देखते रहिएगा। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको मैंने तभी लाइक करना, नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है कांस्टेबल के लिए, आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो भारत के किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, यानी मेल और फीमेल भारत के किसी भी कोने से आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती फिजिकल डिटेल के बारे में बात करें, मेल और फीमेल कैंडिडेट की हाइट रहेगी, मेल कैंडिडेट की हाइट होगी 165 सेंटीमीटर, और अगर आप फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपके 160 सेंटीमीटर है, तब भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ इंडियन जोन कैंडिडेट है, जो आपके हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर अगर आपके हाइट है, तब भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम बताना है, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। तो नीचे हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम जरूर बता कर देना। जो आपके यहाँ पर चेस्ट होना चाहिए, केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80+5 सेंटीमीटर का फ्लाव भी होना अनिवार्य है। जो आपका यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 6 मिनट का समय दिया जाएगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर के लिए आपको यहाँ पर 5 मिनट का समय भी दिया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 5200 से लेकर 20200 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल है, यानी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी भी दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के एज लिमिट के बारे में बात करें, अगर आपके 18 ईयर से लेकर 25 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 18 ईयर से लेकर 28 ईयर, और SST कैंडिडेट के लिए 18 ईयर से लेकर 30 ईयर के बीच में अगर आपकी एज है, तो भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक की जाएगी, यानी कि 1 जनवरी को आपकी जिन्हें तो 18 से कम होने, 25 से ज़्यादा हो, यानी कि आपको जो छूट दी गई है SST वालों को 5 ईयर की दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर छूट भी दी गई है। और अगर हम इस भर्ती का एप्लीकेशन फीस की बात करें, UR जनरल OBC EWS के लिए 450 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा, और SST फीमेल कैंडिडेट के लिए 112 रुपये पर कैंडिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। जो आपको फीस पे करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा भी आप इसको पे कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इस भर्ती फिजिकल डिटेल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले सकते हैं। इस भर्ती का लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा 4 फीट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 3 फीट रहेगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर गोला फेंक की डिटेल भी दी गई है, आप यहाँ पर वो भी चेक कर सकते हैं। अगर हम इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वो आपने किसी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया हुआ है, वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। अगर आप इस भर्ती के अंदर जानकारी लेना चाहते हैं, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, जिस पेज पर आपको हिंदी में जानकारी प्रोवाइड की गई है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास इन डॉक्यूमेंट की चाहना रहेगी, यानी कि इनकी जानकारी आपके पास होना अनिवार्य है। फोटो सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल कार्ड सर्टिफिकेट, पैन कार्ड और आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो आप इन्हें कोई और आईडी दे सकते हैं, उससे भी इस भर्ती का आवेदन फिल कर पाएंगे। और जो आपका फोटो होना चाहिए उसका बैकग्राउंड लाइट कलर का होना अनिवार्य है। अगर हम इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी।
इस भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न होगा यहाँ पर हमारी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस भर्ती की जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 18 जनवरी 2022 से पहले आपको अपना आवेदन फिल कर लेना है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अप्लाई ऑनलाइन के सामने आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेकंड वाला जो स्टेप रहेगा वो कंप्लीट करना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप फॉर्म ने फिल कर लिया है उसकी डिटेल डाउनलोड करना चाहते हो, आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो आपको पहले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर सभी जानकारी रीड करनी होगी। करने के बाद आपको यहाँ पर इसमें सबसे नीचे आना है, घोषणा पर यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि इसको यहाँ पर टिक कर लेना है। करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट, आपको उस पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर बताना है आप कैंडिडेट का नेम, यानी कैंडिडेट के सभी जानकारी फिल कर लेनी है। ईमेल आईडी देना है, मोबाइल नंबर देना है। आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स को नो करना है। अगर आप बिहार से है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जर्नल में अप्लाई करना होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद कैटेगरी लेनी है, कैटेगरी आपको यहाँ पर अनरिजर्व कर लेना है, यानी जर्नल में आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँ किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, और उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से वो वीडियो भी देख पाएंगे किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा। आप यहाँ से उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। 10+2 पास होना अनिवार्य है। महिला और पुरुष कैंडिडेट भी यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी निकाली गई बिहार पुलिस की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपको जहाँ पर वैकेंसी दी गई है 365 वैकेंसी आपको यहाँ पर टोटल दी गई है। और ये सभी जानकारी हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वेबसाइट का टोटल जो वैकेंसी होगी 365 होगी। कॉन्स्टेबल की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। ऑनलाइन आवेदन हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम।